देखिए, पहले तो गुड न्यूज़ के प्रियंका जी जो है अब लोकसभा में दिखेंगे हमें। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखती है वायनाड में, और रही बात जो बाईपोल है, गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है और कर्नाटका की तीनों सीटों पर भी लीड कर रही हैं। और जी बिल्कुल, झारखंड में जो हमारी अलायंस है दैट इज़ लीडिंग, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र के जो रुझान हैं, और अब तो खैर रिजल्ट आ ही रहा है, उसमें दुख ज़रूर हो रहा है। और इस मौके पर मैं आज कहना चाहूँगी कि मैं अपने पिता अहमद पटेल जी को ज़रूर याद करती हूँ, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की जो अलायंस थी, पोस्ट पोल अलायंस थी, वो एक उनका ब्रेन चाइल्ड था। एक अनथिंकेबल फीट उन्होंने अचीव किया, और 5 वर्ष पहले कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की एक सरकार बनाई, और उम्मीद तो हमें पूरी थी कि महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतेगी, पर शायद जनता कुछ और ही चाहती थी। मैम, लेकिन अपोजिशन, जब ये आंकड़े आना शुरू हुए महाराष्ट्र में, तो संजय राउत की तरफ से कहा गया कुछ तो गड़बड़ है। क्या ईवीएम आप लोग अभी भी उस बात को दोहराएंगे कि ईवीएम में कोई दिक्कत है या कहीं कोई गड़बड़ी की जा रही है, इस बात की आशंका है आप लोगों को? विकल्प क्या है कांग्रेस पार्टी हर बार, क्योंकि ये आवाज उठती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, जनता ने जो अपना फैसला दिया है वो सर आंखों पर, बिल्कुल हम उसको मानते हैं। पर कहीं मैं ईवीएम गड़बड़ की बात नहीं करूंगी, बट कहीं कहीं अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से, कि जहां एक बड़े स्टेट में चुनाव होता और साथ में एक छोटा स्टेट, तो छोटा स्टेट आ जाता है विपक्ष के खाते में कहीं ना कहीं, और बड़ा स्टेट जो है वो एकदम चुपचाप निकल जाता है। तो गड़बड़ ज़रूर है, पर फिर भी बयाबाजी जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही सोच समझ के लोगों को और नेताओं को बोलना चाहिए, खास करके जब चुनाव का वक्त होता है, चुनाव के बाद भी, क्योंकि जनता सब देख रही होती है। और आज पब्लिक को शायद ये जो लाडली बहन स्कीम, मैम देखा हमने कि औरतें बड़ी संख्या में निकली हैं, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हो रहे हैं मध्य प्रदेश में हमने देखा है, हमने ये अभी महाराष्ट्र में देखा है, तो शायद जनता यही चाहती होगी। आपने अपने फादर को मिस, आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति वो करते थे, उनको काफी लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे, चाहे विपक्ष के नेता हों चाहे पक्ष के नेता हों, आपको लगता है कि अभी पार्टी में पटेल साहब की जगह जिस तरह से वो काम करते थे वो चीज लोग कर नहीं पा रहे हैं, या कमी खल रही है पार्टी को, एक अच्छा रणनीतिकार नहीं है पार्टी के पास, क्या आपको कहना है? नहीं, बेशक अहमद पटेल इज मिसिंग, एंड आप देख रहे हैं जो कहते थे और जो करते थे बड़े गंभीरता से करते थे, और सोच समझ के सबको साथ लेकर करते थे। तो जब अगर किसी फैसले पर या निर्णय पर वो आते थे, तो ऐसा नहीं था कि उनकी मर्जी थी या उनके लोग थे या उनके हित में, खुद के हित में सोच रहे थे, वो पार्टी के हित में हमेशा बहुत गंभीरता से सोचते थे, और ग्रास रूट से लेकर ऊपर लेवल तक सबका विचार विमर्श, सबके साथ विचार विमर्श करके फिर एक नतीजे पे पहुंचते थे। आई थिंक उस तरह की रणनीति आज हमको चाहिए, बिल्कुल, कि आप सोचें तो सिर्फ पार्टी के हित में सोचें, पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी इन द बैक बर्नर।